गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य पुनः एक बार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। अपन ने बच्चों इससे पहले गुरु बीजाणु जन्म के बारे में अध्ययन किया। अपन ने किस पे अध्ययन किया? गुरु बीजाणु जन्म के बारे में अध्ययन किया था। हमने कहा था कि गुरु बीजाणु में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कैसे होता है? मैंने आपको कहा था कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उस अर्धसूत्री विभाजन से क्या किसका निर्माण होता है? अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और इसी को गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे पहले वाले वीडियो में भी अपन ने इसकी चर्चा की थी, और मैंने कहा था कि आप लघु बीजाणु जन्म और गुरु बीजाणु जन्म को साथ साथ पढ़ें, दोनों अच्छी तरह से धीरे धीरे पढ़ें, याद हो जाएंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? मादा युग्मकोद्भिद। क्या पढ़ रहे हैं बड़े? आज का टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद, या इसे अपन क्या कहते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद, और इसी टॉपिक के साथ आज का हमारा ये लेसन भी समाप्त होगा। कल हम तीसरे लेसन की चर्चा करेंगे, तो अंत में अपन थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। मादा युग्मकोद्भिद, देखिए बेटे, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण या फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, इस मादा युग्मकोद्भिद को ही हम क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश का निर्माण। इसका दूसरा क्या नाम है? भ्रूण कोश का निर्माण। मादा युग्मकोद्भिद को ही हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। तो देखिए बच्चों, हमने इससे पहले अभी चर्चा की, मैंने गुरु बीजाणु जन्म पढ़ा है। थोड़ा सा रिमेंबर लाओ, दिमाग में लाओ, मैंने क्या कहा? गुरु बीजाणु जनन में अपने क्या पढ़ा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और इस अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ? गुरु बीजाणु प्राप्त हुआ। और कितने गुरु बीजाणु प्राप्त हुए? हमें पता है कि 4 गुरु बीजाणु प्राप्त होते हैं। कितने गुरु बीजाणु प्राप्त होते बेटे? 4 गुरु बीजाणु प्राप्त होते हैं। जो हमें 4 गुरु बीजाणु प्राप्त हुए, वो अपने पढ़ के आए थे कि रे के चतुष्क में विन्यासित होते हैं। इन 4 में से 3 तो क्या हो गए? निष्क्रिय हो जाते हैं। 3 तो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, और एक होता है, एक कौन सा रहता है? सक्रिय गुरु बीजाणु। और ये सक्रिय गुरु बीजाणु ही किसका निर्माण करेगा? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। सक्रिय गुरु बीजाणु ही किसका निर्माण करता है बेटे? भ्रूण कोश का, या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो देखिए, यहाँ अब अपन सीधे आ जाते हैं, जो अपने पिछला पढ़ाया उसमें से लेकर के आते हैं। कौन सा लेकर के आते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु। हम लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या है? सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है बेटे, जो अपन ने गुरु बीजाणु जन्म से प्राप्त कर लिया, यह सक्रिय गुरु बीजाणु इस मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन बेटे?
सक्रिय गुरु बीजाणु। देखिए बहुत क्लियर हो जाएगा, अभी स्पष्ट हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, कोई बड़ी बड़ा नहीं, कोई जटिल नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूँ बायोलॉजी बहुत सरल किताब है, बायोलॉजी बहुत इंटरेस्ट वाला है, बायोलॉजी को आप धीरे धीरे पढ़ें, इंटरेस्ट आएगा आप में, डायग्राम को क्लियर करें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते जाएँ आपको। और फिर नहीं समझ में आ रहा तो मैं हूँ आपके सामने, हम हाथ इनको सोल्व कर देंगे, हर चीज़ की समस्या का क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे तो सोल्व हो जाएगा। तो देखिए बेटे ये हो गया सक्रिय गुरु बीजाणु। सक्रिय गुरु बीजाणु क्या है? इस मादा युग्म कोऽद्भिद की कौन सी है? प्रथम कोशिका है। अब ये प्रथम जो कोशिका है वो कहाँ पाएगी? अपने कहा कि ये बीजाणु काय में, ये कहाँ पर है? बीजाणु काय में। बीजाणु काय, बीजाणु की संरचना में पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर से रिपीट कीजिए आप। अब बीजाणु काय में क्या है? ये सक्रिय गुरु बीजाणु। अब बीजाणु काय में सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है कि विकास के समय परिवर्धन तो हो ही रहा है, निर्माण पड़ रहे हैं तो विकास तो हो ही रहा, इस परिवर्धन में ये क्या करता है? बीजाणु काय से पोषण प्राप्त करता है। कौन करता है पोषण प्राप्त? सक्रिय गुरु बीजाणु कहाँ से प्राप्त करता है? बीजाणु काय से। और पोषण प्राप्त करके अपने आकार में क्या हो जाता है बड़े? बड़ा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर देखिए, ये इसे क्या माने अपन? सक्रिय गुरु बीजाणु था। सक्रिय गुरु बीजाणु क्या था? बीजाणु काय में था। विकास के समय बीजाणु काय से क्या लिया? पोषण लिया। और पोषण लेकर के क्या हो रहा है? आकार में बड़ा हो जाता है। अब ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है ये आकार में क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब जब ये आकार में बड़ा हो जाता है तो इस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होता है? इसके केंद्रक का विभाजन होता है। सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्र का क्या होता है? विभाजन होता है। फिर समझ बेटे, सक्रिय गुरु बीजाणु अपन ने कहाँ से? गुरु बीजाणु जनन से प्राप्त किया। इस सक्रिय गुरु बीजाणु बीजाणु का ऐसे क्या करता है? विकास करने पोषण प्राप्त करता है। पोषण प्राप्त करके क्या कर लेता है? आकार में बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है तो इसके केंद्र का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। केंद्र का कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि गुरु बीजाणु क्या है? अगुणित है। गुरु बीजाणु क्या है? अगुणित है। जो मैंने आपको नोट्स में गोल्डन की पॉइंट के नाम से लास्ट में आपको लिख दिया था कि कौन कौन से द्विगुणित होते हैं और कौन से अगुणित होते हैं, एक बार इनको रिवीजन कीजिए, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये गुरु बीजाणु कैसा होता है? क्योंकि किससे बना? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी? द्विगुणित थी। और मैंने कहा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित थी तो उसमें कौन सा विभाजन हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, जिसके कारण वो अगुणित हो गई। यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन। समझिए ये बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से भी मोस्ट है। यहाँ से कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए ये कौन सा हो गया? सक्रिय गुरु बीजाणु, जो आकार में बड़ा हो गया। इस सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्र का क्या हुआ? विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री। और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ये कितने? दो केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब ये दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। यहाँ से इसमें दो चार डायग्राम बनेंगे तो इसको मैं यहाँ से लेता हूँ ताकि इधर से डायग्राम बनाते चलें। अभी अपन ने कहा कि सक्रिय गुरु बीजाणु था और इस सक्रिय गुरु बीजाणु के क्या हुआ? ये केंद्रक था। इसके केंद्रक में क्या हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ और इस समसूत्री विभाजन से दो केंद्रक बन गए। अब जो दोनों केंद्रक बने, दोनों केंद्र क्या करते हैं? विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। जो सक्रिय गुरु बीजाणु में, यहाँ पर लिखता जाता हूँ मैं, देखिए सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या हुआ बेटे? विभाजन, केंद्र का विभाजन हुआ। केंद्र का क्या हुआ? विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस डिवीजन। जिससे कितने बने? दो केंद्र बने। दोनों के दोनों केंद्र क्या कर रहे हैं? विपरीत ध्रुवों की ओर गति कर जाते हैं। दोनों के दोनों केंद्र किधर चले गए बड़े? विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए। ये दोनों केंद्र, अब जब दोनों केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं तो मादा युग्म कोऽद्भिद के निर्माण या भ्रूण कोष के निर्माण में दोनों जो ध्रुवों की ओर केंद्र चला जाते हैं वो पुनः वृद्धि करते हैं। और वृद्धि करने के पश्चात दोनों ध्रुवों के केंद्रकों में, यहाँ पर गौर से देखना बेटे, वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के पश्चात दोनों जो ध्रुवों की ओर केंद्र उनमें दो दो बार समसूत्री विभाजन होता है।
कितनी बार? तो हमने कहा ये दोनों ध्रुवों की ओर चले गए, और ध्रुवों की ओर जाने के बाद में प्रत्येक ध्रुव वाले केंद्रकों में कितनी बार समसूत्री विभाजन होता है? दो बार समसूत्री विभाजन होता है। देखिए यहाँ पर ये अपन ले लें, ये इस ध्रुव का केंद्र, ये इस ध्रुव का केंद्र। अब दोनों ध्रुवों के केंद्रकों में कितनी बार समसूत्री विभाजन हो रहा है? दो बार। तो एक का दो बार होगा तो कितनी बार हो गए? चार बनेंगे। तो इसी प्रकार दोनों ध्रुवों पर कितने तक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है? चार चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया बेटे? चार चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। पहले एक केंद्रक था, समसूत्री विभाजन हुआ, दो केंद्रक बने, दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुव की ओर गति कर गए। विपरीत ध्रुव की गति करने के पश्चात भ्रूण पोष के निर्माण में क्या होता है? दोनों के जो ध्रुवों की ओर केंद्रक जाते हैं वो पुनः दो दो बार क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन से विभाजित हो जाते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुवों पर कितने थे? चार चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जब चार चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तब क्या होता है कि प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्र क्या होते हैं? मुक्त होता है। यहाँ से एक एक केंद्र क्या होता है? प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्र क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, या पकड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे प्रत्येक ध्रुव से एक एक केंद्र क्या होता है? मुक्त। और दोनों केंद्र की ओर गति करते हैं। दोनों किधर की ओर गति करते हैं? केंद्र की ओर गति करते हैं। इधर से ये केंद्र मुक्त हो गया, इधर से ये केंद्र, और दोनों के दोनों किधर की ओर? और केंद्र की ओर गति करते हुए दोनों के दोनों केंद्रक भाग में, दोनों के दोनों केंद्रक भाग में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। दोनों के दोनों केंद्रक भाग में क्या हो जाते हैं बेटे? संलयित हो जाते हैं। दोनों के दोनों केंद्रक भाग में क्या हो जाते हैं? सयुग्मन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुवों पर, इस प्रकार प्रत्येक ध्रुवों पर कितने तक केंद्रक बच जाते हैं? प्रत्येक ध्रुवों पर तीन तीन केंद्रक रह जाते हैं। ठीक है बेटे, समझ में आया? एक केंद्रक था, केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ, दो बने, दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर गया, प्रत्येक ध्रुवों पर दो दो बार समसूत्री विभाजन हुआ, इसलिए कितने बने? चार चार बने। प्रत्येक ध्रुवों से एक एक केंद्र क्या होता है? मुक्त होता है, और केंद्रक में आकर के दोनों जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? द्वितीयक केंद्र का निर्माण करते हैं। किसका? द्वितीयक केंद्र, द्वितीयक केंद्र। और द्वितीयक केंद्र कैसा होता है? द्विगुणित होता है। द्वितीयक केंद्र कैसा होता है? द्विगुणित। तो सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है द्वितीयक केंद्र का, उसका निर्माण किससे कैसे? तो कई बार क्वेश्चन आता है द्वितीयक केंद्र के निर्माण को समझाइए, तो बेटे द्वितीयक केंद्र का निर्माण हो गया। द्वितीयक केंद्र कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अब प्रत्येक ध्रुवों की ओर क्या बच गए? तीन तीन केंद्र बच गए। अब ध्रुवों की ओर का अर्थ अपने बीजांडकाय की बात कर रहे हैं। बीजांडकाय में मैंने कहा था कि जो अध्यावरण से घिरा हुआ अध्यावरण रहित भाग है बीजांड द्वार कहलाता है, उसके विपरीत वाला भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। तो एक ध्रुव तो कौन सा हो गया? निभाग वाला। और एक ध्रुव कौन सा हो गया? बीजांड द्वार वाला। जो बीजांड द्वार की ओर तीन केंद्रक थे, जो बीजांड द्वार की ओर तीन केंद्रक थे, वो आगे चल करके अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटे? अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। फिर समझिए, दोनों ध्रुव, ध्रुव का मतलब एक निभाग की ओर ध्रुव है, एक बीजांड द्वार की, क्योंकि निभाग और बीजांड द्वार की चर्चा की थी अपन का था कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो दोनों विपरीत। तो जो बीजांड द्वार की ओर जो तीन कोशिक केंद्रक थे, वो तीनों आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं? अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं, और इस विकास में इनके चारों कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार ये तीन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कितनी? तीन कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो बीजांड द्वार की ओर कितनी कोशिका बन गई बेटे? तीन कोशिका बन गई। विकास के समय जो तीन केंद्रक थे, तीनों केंद्रकों के चारों ओर क्या हुआ? कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, केंद्र कोशिका द्रव्य संग्रहित हो गया, और इस प्रकार परिवर्तन में ये तीन केंद्रक से तीन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन तीन में से एक जो बड़ी कोशिका होती है, जो नाशपति के आकार की बड़ी कोशिका होती है, उस कोशिका को हम अंड समुच्चय कोशिका, सॉरी अंड कोशिका कहते हैं।
उस कोशिका को क्या कहते हैं बेटे, अंड कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वार की ओर जो तीन कोशिका बन गई, इन तीन कोशिका में से जो बड़ी कोशिका है उस बड़ी कोशिका को हमने क्या कहा, अंड कोशिका कहा। और ये कोशिका भी कैसी है बेटे, अग्नित होती है। ये कोशिका भी कैसी है, और जो दो बच गई, दो जो शेष है उन्हें अपन क्या कहेंगे, सहायक कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं बड़े, सहायक। ये सहायक कोशिका भी कैसी होती है, अग्नित होती है। इस प्रकार बीजांड द्वार की ओर तीन कोशिका पाई गई, तीन कोशिका में से बड़ी वाली कोशिका जो जो नाशपति के आकार की होती है उसे अंड कोशिका कहा, और जो दो छोटी कोशिका होती है उन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। इसके विपरीत वाला ध्रुव कौन सा कहलाता है, निभाग कहलाता है। इसके विपरीत वाला ध्रुव कौन सा कहलाता है बड़े, निभाग कहलाता है। इसके विपरीत वाला ध्रुव कौन सा कहलाया, निभाग। अब ये वाला ध्रुव कौन सा आ गया, निभाग वाला। और निभाग की जो निभाग की ओर जो तीन केंद्र थे वो आगे चल करके कौन इसका कौन सी कोशिका का निर्माण करते हैं, प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण करते हैं। वो आगे चल करके कौन सी कोशिका का निर्माण करते हैं बड़े, प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण करते हैं, प्रतिमुखी। और प्रतिमुखी कोशिकाएं भी कैसी होती है, अग्णित होती है। आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं, प्रतिमुखी कोशिका का। इस प्रकार आवर्त बीजी पादपों में, इस प्रकार किसमें बड़े, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोष का निर्माण होता है। देखिए अब इसका एक बड़ा डायग्राम बना के देखिए अपन, ये तो हो गई प्रतिमुखी कोशिका है, इधर वाली ये हो गई ये अंड कोशिका, ये दोनों के दोनों सहायक कोशिका, और इनके बीच वाला ये वाला भाग बन गया द्वितीयक केंद्रक बन जाता है। इस प्रकार जो ये संरचना प्राप्त हो जाती है इसे एक बीजाणु पॉलीगोनम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बीजाणु पॉलीगोनम, क्या कहते हैं, एक बीजाणु पॉलीगोनम। और ये किसका बन गया, ये बन गया भ्रूण कोष का निर्माण। फिगर डायग्राम किसका बन गया बेटे, भ्रूण कोष का निर्माण। तो देखो भ्रूण कोष का निर्माण कैसे हुआ, भ्रूण कोष का निर्माण मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सक्रिय गुरु बीजाणु था, सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या हुआ बेटे, केंद्रक पोषण प्राप्त के वृद्धि की, फिर इसके केंद्र का विभाजन हुआ, दो केंद्रक बने, दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए, प्रत्येक ध्रुवों पर दो दो बार समसूत्र विभाजन हुआ, प्रत्येक ध्रुव पर चार चार केंद्रक बन गए, जिनमें से एक एक केंद्रक क्या हुआ, मुक्त हुआ और केंद्रीय भाग में जाकर के जुड़ गए, और द्वितीय केंद्र का निर्माण हो गया। और द्वितीय केंद्र के निर्माण के पश्चात जो बीजाणु द्वार की ओर थी वो अंड समुच्चय कोशिका कहलाई, जिनमें एक कोशिका बड़ी होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं, दो सहायक कोशिका होती है, और इसके विपरीत निभाग की ओर वाला था वो परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या विकास के समय किसका, प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इस संरचना को जो प्रवृत्ति है उसे एक बीजाणु पॉलीगोनम कहते हैं। अब हमें कुछ चीजें यहाँ पर एक बार देखना है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है। देखिए क्या है, क्या कंसेप्ट बेटे, अब देखिए कई बार क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया, कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, पॉलीगोनम में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कितने केंद्रक, आठ केंद्रक, कितनी कोशिका, सात कोशिकाएं पाई जाती है। देखो तीन ये छह और एक कोशिका ये, इस प्रकार कोशिका तो कितनी हो गई, सात हो गई, और केंद्रक कितने, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक है तो आठ केंद्रक हो गए। अगर क्वेश्चन यूं आ जाए क्या कि कितनी द्विगुणित या कित पॉलीगोनम में कितनी अगुणित कोशिकाएं पाई जाती है, पॉलीगोनम में कितनी अगुणित कोशिकाएं पाई जाती है, तो गिनो बेटे देखे, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, गिनो एक बार देखे, गिन के बताओ, सोचो देखे और अपना उत्तर बताओ, लिखो देखे, सोचो बेटे कितने। अब जिसने मैं बोल रहा हूँ वो सोचा है तो उसका आंसर सही है, अगर किसी ने छह कोशिकाएं सोची है तो छह कोशिकाएं कैसी होती है,
छह कोशिकाएं बेटे अगुणित होती है। छह कोशिकाएं कैसी होती है? अगुणित होती है। कौन कौन सी छह कोशिका अगुणित होती है? तीन प्रतिमुखी कोशिका, एक अंड कोशिका और दो सहायक कोशिका। इस प्रकार कुल छह कोशिकाएं अगुणित होती, जबकि एक कोशिका द्विगुणित होती है, और वो कौन सा? द्वितीयक केंद्रक वाली कोशिका कैसी होती है? अगुणित होती है। इस प्रकार आवर्तबीजी पादपों में अधिकांश रूप से भ्रूण कोश का निर्माण इसी प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का हमारा जो ये लेसन था, मादा युग्मोद्भिद और नर युग्मोद्भिद की संरचना और विकास, इसी के साथ समाप्त होता है। आप लोग एक बार इसे पढ़ें, नोट्सों को देखें, वीडियो को पूरा देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। वीडियो जब नहीं डालते हैं तब तो आप कहते हैं सर वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, वीडियो डालो, और जब वीडियो डालते हैं तब आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अमूल्य समय है, इसे व्यर्थ में न जाने दें। परिस्थितियां विषम हैं लेकिन समय अमूल्य है। ऐसा नहीं है कि विषम परिस्थितियों में समय को भी यूं ही गवा दिया जाए, क्योंकि हर क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस विषम परिस्थितियों में आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले समय के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, पर डे वीडियो आपके पास अपलोड कर रहे हैं। इसलिए आप लोग एक बार कंप्लीटली वीडियो देखें, आपको समझ में आया हो आएगा, नहीं समझ में आए तो आप हमें से चर्चा करें, ग्रुप में चर्चा करें, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम, अब आधे आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप लोग शायद सम नहीं, लेकिन आप एकांत में बैठें और पढ़ें। फिर मैं कह रहा हूं, यह आपका अमूल्य समय है, इस समय को आप व्यर्थ में न जाने दें, क्योंकि समय चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। कोरोना समाप्त हो जाएगा लेकिन समय वापस नहीं आएगा। दूसरी चीज, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन सरल नहीं हो रहा है। कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपका कंपटीशन के कारण आपका रिजल्ट या आपका पेपर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कह दिया जाएगा कि आप कोरोना काल में थे इसलिए आपको फेल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है बेटे। आप लोग पढ़ते रहें, समय बहुत बढ़िया है आपके पास, अध्ययन घर पे बैठ के करें, समस्या सॉल्व हो, समाधान होगा। इसके अलावा कुछ थोड़ा सा इसमें मैंने आपको गोल्डन की का पॉइंट समझाया था, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि कौन से अगुणित और कौन से भाग द्विगुणित होते हैं। तो जैसे आपने एक बार जरूर देखेंगे, उस चीज़ को भी मैंने कहा था कि जो स्पोरोफाइट वाले होते हैं और एक गैमेटोफाइट वाले होते हैं, जो गैमेटोफाइट वाले होते हैं वो सभी अगुणित होते हैं, स्पोरोफाइट वाले सभी द्विगुणित होते हैं। जैसे मैंने कहा, आप लोग एक का याद करेंगे दूसरा हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ पराकण अगुणित, नरयुग्म अगुणित, अंड कोशिका अगुणित, प्रतिमुखी कोशिका अगुणित, सहायक कोशिका अगुणित। एक याद रखना है आपको, भ्रूण कोश भी अगुणित होता है। इसके अलावा मैं बोलूँ द्विगुणित, द्विगुणित में बोलूँ तो मैं कहूँ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित, फिर मैं बोलूँ जड़ द्विगुणित, तना द्विगुणित, पत्तियाँ द्विगुणित, बाह्य दलपुंज द्विगुणित, दलपुंज द्विगुणित, बीज पत्र द्विगुणित, बीजांडकाय द्विगुणित। ये सारी की सारी मैंने आपको एक लिस्ट डाल दी है, आप उस लिस्ट में देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, आपको याद होगा। बार बार रिविजन करें हैं तो आपको याद होगा बेटे। बायोलॉजी, फिर मैं कह रहा हूँ, बहुत सरल है बायोलॉजी में, कहीं भी कोई समस्या नहीं आने दूंगा, आज तक नहीं आई है, बहुत बड़ा अनुभव है मुझे। आप लोग मेरी कही हुई बातों को थोड़ा फॉलो करें और उन्हें आगे बढ़ें, आप अवश्य अपने जीवन में अच्छे कामयाब होंगे। और जिस उद्देश्य से आपने साइंस बायोलॉजी ली है वो आपका उद्देश्य भी पूरा होगा। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ बेटे। आप लोगों को, जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है, वो विद्यार्थी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमसे संपर्क कर सकता है, वो आ सकता है। जिस विद्यार्थी को नोट्स नहीं मिले हैं
वो विद्यार्थी भी हमारे कोचिंग में आकर के हमसे नोट्स प्राप्त कर सकता है। हमने सारे नोट्स डाल रखे हैं, जो हमारा ग्रुप है भास्कर साइंस पॉइंट ग्रुप पर डाल रखे हैं। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को नहीं मिला है तो वो विद्यार्थी हमसे आकर के संपर्क करें। हमने किट बना रखी है, उस विद्यार्थी को किट के साथ उसको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिजिक्स का केमिस्ट्री का वीडियो क्यों नहीं आ रहा। बड़े जल्दी ही आज शाम तक सारे उपकरण सेट हो गए हैं। हम लोग आज शाम तक उम्मीद करते हैं कि आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। किसी तकनीक के कारण उनका वीडियो नहीं बन पा रहा था, हमने सारी टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए उनके वीडियो भी बनाने की कोशिश की है, अरेंजमेंट किया है। आज उनका वीडियो भी बनेगा, मेरी क्लास के बाद उनकी क्लास होनी है, इसलिए आप लोग बड़े इस चीज़ को पढ़ें। हाँ, एक क्वेश्चन एक विद्यार्थी ने मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किया था, वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, आप भी देखना। वो क्वेश्चन बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पर किया था, सर ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए बड़े, क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था, सौ पराग कणों के लिए, 100 पराग कणों के लिए पराग कोष में कितनी बार विभाजन होगा। सौ पराग कणों के लिए पराग कोष में कितनी बार विभाजन होगा। ऑप्शन है 100 बार, दूसरा है 50 बार, तीसरा है 25 बार और चौथा है, कुछ भी लिख देते हैं, चौथा है 75 बार। सोचो बेटे, आंसर दो। ठीक है, सोचा बेटे, अब आंसर को टैली कीजिए। जिस विद्यार्थी ने यह सोचा है उसका आंसर सही है। कितनी बार होगा, 25 बार होगा। कितनी बार होगा बेटे, 25 बार होगा। क्यों होगा, सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि प्राग कोष मतलब लघु बीजाणु मातृकोशिका वाला भाग, और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने पराग कण प्राप्त होते हैं बेटे, 4 पराग कण प्राप्त होते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक बार कितने प्राप्त होते हैं, 4। तो हमें कितने प्राप्त करने हैं, 100। तो 100 के लिए कितनी बार विभाजन होगा, 25 का 100, तो कितने बार बनेंगे बेटे, 25 बार विभाजन होगा। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाए, गुरु बीजाणु आ जाए, यही क्वेश्चन किससे कैसे आ जाए, गुरु बीजाणु आ जाए, तब हम कहेंगे। तो हमने कहा था कि एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक गुरु बीजाणु का निर्माण होता, 3 तो निष्क्रिय, उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा है, तो उसका आंसर जाएगा 100 बार। उसका आंसर क्या जाएगा बड़े, 100 बार। तो इसका आंसर क्या है, 100 होगा, और पराग कणों का कितना होगा, 25 बार डिवीजन होगा। एक और थोड़ा सा है कि जो जोस्टेरा के पादप होते हैं, कौन से पादप, जोस्टर, उनमें स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है। और स्पोरोपोलिनिन क्या है, याद है ना, अरे मैंने आपको कहा था स्पोरोपोलिनिन के कारण पराग कणों का निर्माण, स्पोरोपोलिनिन के कारण पराग कणों का जीवाश्म प्राप्त होता है, जो प्रो यूबिस का वाली कहानी। इसी के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, आप पूरा वीडियो देखा, और इस लेस चैप्टर में जो पाठ संख्या 2 में अगर कहीं भी किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या है, वो विद्यार्थी मेरे से संपर्क करें। मेरे इंडिविजुअल नंबर है 9929228836 पर मेरे से संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।